हेलो किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग के समय किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। किसान साथियों, अभी हमारी सोयाबीन की फसल में फ्लावरिंग का समय चल रहा है, अच्छे खासे फ्लावर सोयाबीन में आ रहे हैं और इसमें अब धीरे धीरे फलियाँ भी बनना शुरू हो रही है, क्योंकि अभी इस फसल को 45 दिन हो चुके हैं और यह अर्ली वैरायटी की फसल है। 95-60 वैरायटी की फसल लगा रखी है हमने इस खेत में। तो किसान साथियों, अब हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में खरपतवार अगर है तो आप किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग ना करें, क्योंकि अब समय हर्बिसाइड का नहीं है, समय निकल चुका है, इसलिए किसी भी हर्बिसाइड दवाई का प्रयोग ना करें। किसान साथियों, अब इल्लियों का प्रकोप आना शुरू हो गया है, छोटी छोटी इल्लियों का प्रकोप आना शुरू हो गया है, जैसा कि ये इस तरह से पत्तों पे आपको इल्लियाँ दिखना शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, इसमें इल्ली का प्रकोप, रिंग कटर और सफ़ेद मक्खियों का भी प्रकोप आना शुरू हो गया है, इसलिए हमें अच्छी कंपनी की कीटनाशक का प्रयोग करके स्प्रे करना है, ताकि हमारी फसल को कोई नुकसान ना हो। किसान साथियों, बारिश का समय चल रहा है और इस समय इस फसल में फंगस की शिकायत भी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हमें कीटनाशक के साथ साथ अच्छे वाला फंगिसाइड का भी प्रयोग करना है, ताकि हमारी फसल को कोई फंगस ना लगे। किसान साथियों, एक चीज़ का और हमें ध्यान देना है कि अगर हमारी फसल की हाइट अगर अच्छी खासी, अगर आपकी फसल आपके घुटनों तक अगर आ रही है, तो आप इसमें किसी भी प्रकार का टोनिक का स्प्रे ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपने इसमें अगर टोनिक का स्प्रे कर दिया है, क्योंकि अभी आपके फ्लावरिंग का समय चल रहा है, और अगर इसमें आपने टोनिक का स्प्रे कर दिया तो आपकी फसल की बढ़वार और अधिक हो जाएगी, जिससे कि आपकी फसल झुकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसके बाद आपकी फसल हवा से पूरी तरह से नीचे झुक जाएगी और आपके फलियाँ वगैरह सब ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी फसल की बढ़वार अगर अच्छी है, तो इसमें किसी भी प्रकार का टोनिक का प्रयोग ना करें।